अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फहद हाशमी फोटू से, और आज हम बात करने जा रहे हैं 2021 के बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा के बारे में। अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हैं, आपको लेंसेज के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, आपको उसके प्राइम लेंस का होने का पता नहीं है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आपने कैसे निकालनी है, अपने वीडियो को जानदार और शानदार कैसे बनाना है, तो फिर आपको ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज जिस कैमरे के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं, वो है सोनी का ZV-1 कैमरा, जो कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए तो बहुत ही कोई अमेजिंग कैमरा है। सोनी ZV-1, इसे आज हम अनबॉक्स करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं इसकी ओवरव्यू की तरफ, बाकी जितनी भी बात होगी हम सब इसके ओवरव्यू में जाके करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें कार्ल ज़ीज़ का लेंस इस्तेमाल किया गया है, एक्समोर आर एस सीमोस लो लाइट सेंसर है, XAVCS का कोडेक है, 4K टेक्नोलॉजी, वाईफाई, HD नॉर्मल कार्ड है, इसमें ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, HDMI इसके साथ पोर्ट भी दी गई है। 1 इंच का इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये 1 इंच के सेंसर के साथ है, 20 मेगापिक्सल ये कैमरा है, 24-70, 1.8-2.8 प्राइम लेंस इसके अंदर है, यानी कि जो इसमें बिल्टन लेंस है वो आपको टोटल प्राइम बुके इफेक्ट देगा, जो आपको 1.8 से 2.8 के दरमियान अपर्चर मिल रहा है। इसी के साथ फेस डिटेक्शन 315 ऑटो फोकस के इसके पॉइंट्स हैं, रियल टाइम ऑटो फोकस आपको मिल रहा है, फेस अपील है, बुके स्विच है, क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि इसके फ्रंट के ऊपर भी आप देखेंगे तो आपको भी नज़र आएगा कि इसके साथ तो माइक्रोफोन बिल्टन जो दिया गया वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से ये कामयाब हो रहा है। और अगर आप कोई एक्सटर्नल माइक लगाकर अपने वॉइस क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो माइक्रोफोन जैक की भी इसमें ऑप्शन है। तो चलते हैं जी, इसको अनबॉक्स करते हैं पहले और देखते हैं कंपनी ने इसके साथ क्या दिया है। ये कुछ इसका लिटरेचर है, जो कि आपको अगर फुर्सत हो तो पढ़ लें, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। और सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसका ये विंडशील्ड, साथ में दिया गया है, जो कि माइक्रोफोन के ऊपर लगता है, इसके कैमरा के ऊपर डायरेक्ट लगता है। ठीक है जी, ये इसका विंडशील्ड है। ओके, ये विंडशील्ड आ गया। और क्या चीज़ है इसमें, इसकी USB केबल है साथ में। ओके, और क्या चीज़ है जी, और इसकी बैटरी है साथ में, इस बैटरी को भी हम देख लेते हैं। हाँ, इसकी बैटरी आ गई, ये है जी इसकी ओरिजिनल बैटरी, NP BX1 ये बैटरी है, ये ओरिजिनल बैटरी, और ये फाइनली कैमरा आपके सामने आने लगा है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। यह है जी सोनी का ZV-1। ये सोनी का वेरियस सोनाटी जीज़ के लेंसेज का इस्तेमाल किया गया है, 1.8-2.8 अपर्चर है, 24-70 mm इसकी जूम इन रेंज है, ये इसका फ्रंट रियर है। अच्छा, इसका अगर मैं आपको साइज़ के हवाले से बताऊं तो ये एक ऐसा पॉकेट कैमरा है। ठीक है, ये मेरे हाथ के ऊपर तकरीबन ये पूरा हाथ के बराबर भी नहीं है, और बहुत ही ज़बरदस्त कोई आउटस्टैंडिंग इसका बॉडी मटेरियल। अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो इसके अंदर 3 इंच की जो है ये टच स्क्रीन साथ दी गई है। ठीक है, और ये फुली रोटेटेबल है, आर्कुलेटेड है ये। ओके, अगर आप शूट कर रहे हैं अपने आप को तो आपने ये स्क्रीन आपने इस तरह कर लेनी है, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होती है किसी भी वीडियो को बनाने में, तो जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर है उनको ये बात पता है। और इसके बॉडी मटेरियल की ज़बरदस्त बात, ये इसका देखें, ये फंक्शन का बटन है, ये मेन्यू है, ये इसका जॉग डायल है, ये प्ले का बटन है, बहुत सिंपल इसका जो सोनी का इंटरफेस है, बहुत सिंपल और इजी टू यूज़ है। इसी के साथ हम चलते हैं इसके फ्रंट पे। तो सबसे फ्रंट के ऊपर जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसका माइक्रोफोन है। ओके, जो बिल्टन माइक्रोफोन इसका बहुत आउटस्टैंडिंग है, मैंने खुद यूज़ भी किया है। अगर आप एक्सटर्नल लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ लग सकता है। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये मॉड का बटन है, यहाँ से आप इसके मुख्तलिफ मॉड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका टैली और वाइड है, जिससे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये इसका रिकॉर्ड का बटन है। और इसके साइड ओवरव्यू पे आ जाते हैं, यहाँ पर इसके हमें दिख रही है HDMI पोर्ट, मल्टी और इसका माइक्रोफोन इनपुट। अगर आपके पास HDMI स्क्रीन है, अगर आप लगाना चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो ये इसकी माइक्रो HDMI है, ये इसकी मल्टी पोर्ट है, जिससे चार्जिंग वगैरह आप कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल केबल है, जो कि नॉर्मली अब तमाम सेल फोन्स में मिली जाती है आपको। और ये इसका माइक्रोफोन इनपुट है, ये 3 इनपुट्स इसके अंदर आ गई हैं। अपर साइड मैंने आपका दिखा दिया है, इसको साइड में इस तरफ कुछ नहीं है, नीचे इसका बैटरी पैक है,
ये बैटरी पैक और कार्ड लगने की जगह भी इसके अंदर साथ में ही है, तो इसी में यहाँ पर SD कार्ड आपका लग जाएगा, ठीक है। और ये एक छोटा रन एंड गन कैमरा है, इसको भी हम बैटरी इसके भी चार्ज नहीं है, ज़रा चार्ज करते हैं फिर इसको ऑन करके दिखाते हैं, ठीक है। ये है सोनी का ZV-1 कंटेंट क्रिएटर और व्लॉगर्स के लिए बेहतरीन कैमरा। तो चलते हैं जी, इसको अभी ऑन करके देखते हैं। ये हमने बैटरी इंसर्ट की और ये इसका पावर ऑन ऑफ का बटन। ये फर्स्ट टाइम जब ऑन होगा तो आपको ये दिखेगा इंग्लिश, और फिर इसकी आपने ये सेटिंग्स कर लेनी है। कराची कराची छोड़ दें सब चीज़ों को, चलते हैं आगे की तरफ। वाह वाह क्या बात है क्या बात है। तो जी ये आ गया इसका इंटरफेस, और ये है जी इसका मेन्यू, और ये इसके सारे फीचर्स आपको इसमें नज़र आ जाएंगे। ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। और इसमें एक ज़बरदस्त मोड है जिसको हम शोकेस मोड कहते हैं। शोकेस मोड का क्या फीचर है अगर इसमें वीडियो में बता सका तो ठीक है, वरना किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो ये सारे इसके फोकस मोड्स हैं, फोकस मोड्स, फोकस कलर एरियाज वगैरह, ये सारे इसके फीचर्स हैं। और इसके अंदर ये आप ये जो है इसको आप लगा सकते हैं ऊपर, इसको अगर हम यहाँ से निकाल दें, ओके, तो ये यहाँ पर ये इसका फर लग गया, ठीक है। अब आपकी जो साउंड क्वालिटी आएगी वो बहुत ही कोई अमेजिंग आने वाली है। तो ये इसका जूम, ओके, तो ये है कंप्लीट जी सोनी का ZV-1 कैमरा आपके सामने। बहुत छोटा, स्मार्ट, कॉम्पैक्ट, ठीक है ना। किसी जगह ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, इतना टाइम नहीं है कि लेंसेज चेंज करने हैं, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कैमरा है। मैंने पर्सनल यूज़ किया, इसकी कलर साइंस अमेजिंग है, इसमें एस लॉक भी मौजूद है ताकि आप अपने कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड कर सकें। तो मेरी रिकमेंडेशन है व्लॉगिंग और कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए। अगर इसमें बाकी की अगर हम देखते हैं, अगर मौका लगता है तो फिर हम और इसकी आपको कुछ शॉट्स वगैरह दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो जनाब आज की ये वीडियो हमारी हो गई है कंप्लीट। तो अभी मैं आपको थोड़े से इसके फीचर के बारे में बताता चलूं ताकि ये वीडियो फिर हम ऐड करें, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी करें। देखें इसके अंदर जो सबसे बेसिक फीचर है, जो सबसे ज़बरदस्त फीचर है, एक तो इसका जो सेंसर है वो 1 इंच सेंसर है, XMOS CMOS लो लाइट सेंसर। दूसरे नंबर पर जो इसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी है वो इसका लेंस है। एक तो ये कि इसमें जो लेंस इस्तेमाल किया गया है वो है कार्ल ज़ीस कंपनी का, जो दुनिया के टॉप 1 लेंसेज में शुमार होता है। दूसरा, अब आकर आप आते हैं इसकी फोकल लेंथ के हवाले से कि जब इसमें जो जूम इन होता है और जो जूम आउट होता है ये कितना टैली जाता है और कितना वाइड आता है, तो उसको वो रिप्रेजेंट करता है 24-70 mm। तो हमारी फील्ड के अंदर सिनेमाटोग्राफी या फोटोग्राफी में 24-70 एक अच्छा फोकल लेंथ माना जाता है, जिसमें आप तमाम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। अगर आपको वाइड एंगल शूट करना है तो आपने ये 24 mm के ऊपर लेके जाना है, और अगर आपने थोड़ा टैली करना है तो 70 तक आप लेके जा सकते हैं। ये तो हो गई इसकी फोकल लेंथ के बारे में बात। दूसरा, आपको पता होगा आजकल दौर है बैकग्राउंड ब्लर लोग मांगते हैं, बुके इफेक्ट मांगते हैं, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, यार हम फोकस्ड हो जाए, बैकग्राउंड ब्लर हो जाए। तो इसमें जो अपर्चर दिया गया है 1.8 से 2.8, यानी कि ये टोटल है ही प्राइम लेंस अपर्चर। इसके अंदर ये नॉर्मल लेंस नहीं है, इसके अंदर प्राइम लेंस अपर्चर ही लगाया गया है। ये हो गई इसकी दूसरी खास बात। बाकी ये 4K 30 frames के ऊपर जाता है, Full HD 120 FPS, जिसमें जो 1,65,000 वाले में जो फीचर है कैमरे में सोनी A61 या A6400 के अंदर, वो आपको सोनी ZV-1 में मिल जाता है। इसके अंदर माइक्रोफोन इनपुट की जगह है ताकि आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स लगाकर इसको इस्तेमाल कर सके। ऑटो आई फोकस डिटेक्शन है, जिसे ऑन कर आप सब्जेक्ट के सामने जब ये कैमरा रखेंगे तो ये आपकी फोकस जो है वो सब्जेक्ट का जो फोकस है वो ख़राब नहीं करेगा, यानी कि उसके फोकस को नहीं छोड़ेगा। उसके साथ साथ इसमें एक हाई स्पीड का आप मेमोरी कार्ड लगाएं जो कि 170 MB/s तक हो, क्योंकि ये 4K कैमरा है। इसकी बैटरी टाइमिंग थोड़ी कम है लेकिन नॉट बैड, क्योंकि ये एक फुल
रन एंड गन कैमरा है, तो बैटरी इसकी आप सेपरेट खरीद सकते हैं, वो कोई 9,500 रुपये की इस वक्त ओरिजिनल बैटरी के प्राइस हैं। इसके साथ ये विंड कवर इसका खूबसूरत सा दिया गया है, आर्कुलेटेड इसकी जो है ये स्क्रीन है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी, आर्कुलेटेड स्क्रीन है जिससे आप अपना खुद सब्जेक्ट ट्रैकिंग अगर आपके पास है ऑन तो सब्जेक्ट ट्रैकिंग भी करता रहेगा। साथ में स्पोर्ट्स मोड इसके अंदर मौजूद है और एक सबसे ज़बरदस्त मोड है जिसको हम शोकेस मोड कहते हैं। शोकेस मोड का मतलब ये होता है, नॉर्मली जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको कोई प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर ये, ठीक है, अब मुझे नहीं पता इस वक्त कि ये पता नहीं फोकस हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसे ही आप इसको सामने से हटाएं तो मैं फोकस हो जाता हूं। तो इस कैमरे में जो ज़बरदस्त फीचर है, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी एक वीडियो आपको बना के दूं शोकेस मोड की, कि इतना फास्ट फोकसिंग मैंने नहीं देखा, क्योंकि सोनी के कैमरे की फोकसिंग बहुत अमेजिंग है। तो प्रोडक्ट शोकेस मोड इसका बहुत कामयाब है, बाकी एक छोटा सा टीनी कैमरा है आपके सामने, और मैं समझता हूं कि ये हमारी पूरी वीडियो हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें वीडियो के ऊपर, मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी और इसमें आप क्या देखना चाहते हैं या क्या चीज़ मुझसे मिस हो गई है, तो मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा करूंगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।